प्यारे बच्चों, आज की गणित की कक्षा में हम लोग इस कार्तीय तल के अध्याय में रेखा खंड का अंतः विभाजन के विषय में अध्ययन करेंगे। विगत दिनों तक हम लोग एक रेखा खंड पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन किए थे। हम लोगों ने सीखा था, अगर ये एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली जो रेखा खंड ए और बी है, अगर इसके निर्देशांक x1 और y1 हैं, इसके निर्देशांक x2 और y2 हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d का मान हम लोग विभिन्न प्रकार के सूत्रों से, जो d बराबर √x1 − x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 − y2 के होल स्क्वायर से निष्पादित होता रहा है, हम लोग उसको पढ़े हैं। परंतु आज के दिनों में हम लोग इन दो बिंदुओं को किन्हीं दो भागों में विखंडित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु P और Q है, इससे खींचा जाने वाला एक रेखा खंड, चाहे A और B ही मानिए इनको, A के निर्देशांक हैं x1 और y1 तथा B के निर्देशांक हैं x2 और y2 हैं, और इन्हें कोई बिंदु P जो है यम संबंधी यन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करने का अर्थ ये होता है कि एक रेखा है और उस रेखा के अंदर कहीं दो भागों में काट दिया जाए। इस रेखा के अंदर में कोई बिंदु P काट रहा है और ये P इसको यम और यन के अनुपात में काट रहा है, अर्थात यम संबंधे यन के अनुपात में काट रहा है। और यदि इस P के निर्देशांक x और y हैं, तो पूछा जा रहा है सवाल कि आप इस विखंडित करने वाले, इसको बांटने वाले, इसको काटने वाले जो बिंदु P है, इस P का निर्देशांक x और y के मान को ज्ञात कीजिए। तो हम सभी लोग लिखेंगे, माना एक रेखाखंड ए व बी है, या ए बी है, रेखाखंड ए बी है, जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हैं, इन्हें कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y हैं, उस रेखा को यम संबंधे यन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो विभाजित करने वाले बिंदु P का भुज x बराबर सूत्र होता है m x2 + n x1 / m + n तथा विभाजित करने वाले बिंदु P की कोटि
वाई बराबर हो जाता है यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटा यम प्लस यन। अतः हम इसे कह सकते हैं कि विभाजित बिंदु पी के निर्देशांक बराबर यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बटा यम प्लस यन कामा यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटा यम प्लस यन होगा। इस प्रकार हमें सूत्रों का ज्ञान हो गया, हम सूत्रों को लिख लिए। इस पर आधारित हम अब प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए हम लिखते हैं एक सवाल जो अंतर विभाजन पर आधारित है। मुझे उम्मीद है आप इसको लिख चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग एक प्रश्न पर जो इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। ये सूत्र हमारे हैं एक्स और वाई के मान। आइए सवाल कैसा होगा लिखते हम लोग। सवाल लिखते हैं, लिखिए दिए गए बिंदु से खींचा जाने वाला रेखाखंड को अंतर विभाजित करना जिसके निर्देशांक क्रमशः 3.5 व 8.10 हैं और उन्हें दो संबंधे 3 के अनुपात में अंतर विभाजित किया जा रहा है। दिए गए प्रश्न में आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए होंगे और उन बिंदुओं के जो विखंडित करने वाला विभाजित करने वाले बिंदु हैं उनका अनुपात दिया होगा। आइए अब हम लिखते हैं क्या क्या हमको ज्ञात है। बड़ा ही आसान है प्रश्न। ज्ञात है क्या क्या भाई? x1 बराबर कितना? 3। x2 बराबर इसमें का लेंगे 8। y1 बराबर 5। y2 बराबर 10। m बराबर 2 और n बराबर 3। ये हो गया हमारा। ये चीज़ें हमको ज्ञात हैं, पहले से दी गई हैं। हमको आप निर्देशांक निकालना है। अब यहाँ ही लिख लेंगे, माना अंतर विभाजित बिंदु के निर्देश बिंदु P है और उनके निर्देशांक x कामा
वाई हैं, इनके निर्देशांक अक्ष कामा वाई हैं। अब सूत्रानुसार, अभी अभी सर जी ने सूत्र बताया है आपको, सूत्रानुसार क्या है, यक्ष बराबर यम यक्ष टू प्लस यन यक्ष वन बटा यम प्लस यन। आप मान रखोगे यहाँ यक्ष बराबर, आप देखते रहो श्याम पट की ओर, यम की वैल्यू दो है, यक्ष टू की वैल्यू आठ है, प्लस यन की वैल्यू तीन है, और यक्षमन की वैल्यू भी तीन है, बटा यम और यन का योगफल दो धन तीन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यक्ष बराबर आठ दुना सोलह हो गया, तीन तिला के नौ हो गया, तीन दू पाँच हो गया, यक्ष बराबर हो जाएगा पच्चीस बटा पाँच, देन यक्ष बराबर हो जाएगा पाँच। आपको यक्ष की वैल्यू निकल गई, जैसे कि यह सवाल रहा होगा, यहाँ ए और बी रेखाखंड रहे होंगे, इसके निर्देशांक तीन पाँच रहे होंगे, इसके आठ कामा दस रहे होंगे, यह बिंदु P रहा होगा जिसका निर्देशांक X और Y रहा होगा, ये दो संबंधे तीन के अनुपात में विभाजित किया गया था इसको, इस X का मान आ गया पाँच। अब Y का मान ज्ञात करने के लिए अगले सूत्र का प्रयोग करिएगा, तथा हम लोग लिख देंगे Y बराबर यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटा यम प्लस यन। y बराबर देखें आप ध्यान से, y बराबर निकालना है आपको, यम है दो, y2 का मान है दस, धन यन का मान है तीन, y1 का मान है पाँच, ये बटा यम धन यन दो धन तीन। y बराबर दस दुना बीस, पांतियाई पंद्रह बटा पाँच, वाई बराबर पैंतीस बटा पाँच, देन वाई बराबर सात। अब निर्देशांक क्या हो गया, आंसर लिखेंगे हम लोग, निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ भाई हमको, विभाजित बिंदु के निर्देशांक बराबर हुआ, यक्ष का मान पहले लिखेंगे पाँच और वाई का मान लिखेंगे सात, इसे कोष्ठक में कर देंगे बंद। इस प्रकार से यह हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, लगा लीजिए ध्यान से। आइए हम इस रेखाखंड के अंतर्विभाजन पर एक अगला क्वेश्चन भी पढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिंदु ऋण एक कामा सात और चार कामा ऋण तीन को मिलाने वाला रेखाखंड रेखाखंड को दो संबंधे तीन के अनुपात में अंतर्विभाजित करने पर अंतर्विभाजित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल हमारा कहता है कि कोई एक रेखाखंड है, हम हल करना शुरू किए हैं, कोई एक रेखाखंड है ए और बी जिसके निर्देशांक है ऋण एक कामा सात और चार कामा ऋण तीन, इसको कोई बिंदु पी जो है दो भागों में बांट रहा है, और जो बांट रहा है वह अनुपात है दो संबंधे तीन, यानी दो भाग इधर हो गया है और तीन भाग इधर हो गया है, कहता है तो इस P के निर्देशांक आप ज्ञात करो। यहाँ अब हल में लिखेंगे
माना विभाजित बिंदु, विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक यक्ष कामा वाई हैं। इसके विभाजित के निर्देशांक यक्ष कामा वाई हैं। इधर देखें ध्यान से हम लोग, यक्ष बराबर क्या होगा भाई? यक्ष बराबर यम यक्ष टू प्लस यन यक्ष वन बटा यम प्लस यन। अब यहाँ हम लोग जान जाएंगे, जहाँ यक्ष वन बराबर ऋण एक है, यक्ष टू बराबर कितना है चार है, वाई वन बराबर सात है, वाई टू बराबर ऋण तीन है, और यम बराबर दो है, और यन बराबर तीन है। ये मान अगर हम इस प्रकार से निकाल लें, तो निकालने के उपरांत हम इस सूत्र पर रखेंगे, और सूत्र पर रखने के बाद ये पूरे पूरे हमारे यक्ष के निर्देशांक निकल जाएंगे। आइए देखो, यहाँ यक्ष बराबर दो गुणे यक्ष टू माने चार, प्लस तीन गुणे यक्ष वन ऋण एक है, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे, बटा दो धन तीन। हल करके नीचे आओ, यक्ष बराबर चार दुना आठ माइनस तीन इकन्ना तीन, माइनस हो गया, आप जान रहे हो तीन इकन्ना तीन किया ऋण हो गया, ऋण या धन के साथ ऋण हो गया, और पाँच, तब यक्ष बराबर पाँच बटा पाँच, और यक्ष बराबर क्या निकला एक, यहाँ यक्ष बराबर एक हो गया। इसी प्रकार यहाँ चलिए भाई, y बराबर सूत्र होता है यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटैया यम प्लस यन। क्या होगा तब? y बराबर दो गुणे वाई टू का मान ऋण तीन है, प्लस तीन गुणे यन का मान तीन है, और वाई वन का मान सात है, बटा दो धन तीन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ऋण छः हो गया, धन इक्कीस हो गया, बटा पाँच हो गया। आ जाइए यहाँ, वाई बराबर क्या मिला? इक्कीस में से छः घट गया, ग्यारह में से छः गया, पाँच हो गया, एक का एक हो गया पंद्रह, बटा पाँच, तो वाई बराबर हो गया तीन। अब यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे अतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर यक्ष का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं, इन्हें कोष्ठक में बंद कर देते हैं, और यही हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। आइए हम लोग इस पर आप कुछ प्रश्न लिखते हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे घर पे, कहीं दिक्कत होगी तो पूछेंगे। प्रश्न है, लिखेंगे हम लोग, दिए गए बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड, दिए गए बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड के अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर वन लिखते हैं, आठ कामा नौ व ऋण सात कामा चार, और अनुपात इनका होगा, इनका अनुपात होगा दो संबंध है तीन।
दूसरा क्वेश्चन हमारा है, केवल अंतर्विभाजित पर है, एक दो व तीन चार अनुपात हमारा है, अनुपात दिया गया है पांच संबंध है सात। तीसरा क्वेश्चन होगा दो कामा जीरो व जीरो कामा चार, इनका अनुपात दिया गया है, इनका अनुपात होगा तीन संबंध है दो। और चौथा सवाल होगा पांच संबंध है पांच कामा सात व चार कामा पांच, इनका अनुपात दिया गया होगा आपको दो संबंध है तीन। पांचवा एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पांचवा क्वेश्चन भी हम एक देख लें। आपके बुक से ही है वो पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है ऋण छ कामा दस व तीन कामा ऋण आठ और इनका अनुपात होगा दो संबंधे सात। अंतर्विभाजित पर आधारित हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपको दिखा दिए गए हैं। अब इसी अंतःखंड पर आधारित अगले दिन हम लोग देखेंगे जो आप यहाँ विभाजित बिंदु P के निर्देशांक X और Y दिए गए थे। आपको इन प्रश्नों में A और B दिया गया है, अनुपात दिया गया है, P के निर्देशांक पता करने हैं। कल हम लोग सीखेंगे इसी पर आधारित दोनों ये निर्देशांक दिए गए रहेंगे, ये विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी दिए गए रहेंगे। हम ये पता करेंगे कि उन्हें किस अनुपात में विभाजित किया गया है। हमारी परीक्षा में एक सीधा क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, दूसरा है कि ये दो चीज़ और एक चीज़, ये तीन चीज़ दी रहेगी, अनुपात का पता करना होगा। लेकिन सब कुछ एक दिन बता देना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसका ज्ञान नहीं कर पाएंगे हमें ये चीज़ का पता करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो आए हम लोग आज इन पांचों क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, सूत्र का स्मरण करेंगे। सूत्र मैं आपको पुनः लिख दे रहा हूँ, यक्ष बराबर यम यक्ष टू प्लस यन यक्ष वन बटा यम प्लस यन, वाई बराबर यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटा यम प्लस यन। प्यारे बच्चों, आपकी भिन्न भिन्न किताबें आपके पास होंगी, उन किताबों में इस यम और यन के जगह पर हो सकता है यम वन यम टू लिखा हो, तो आप उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप चाहे यम वन यम टू से लगाएंगे, चाहे यम और यन से, यह सूत्र आपको याद करने में सुविधाजनक है जिसे मैंने लिखाया है। ये कहीं किताब से मैंने देख के नहीं लिखा है, अपने स्मरण के आधार पर है। यह सूत्र याद करने में आसान रहता है। धन्यवाद।